नमस्कार, मैं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल, सुरक्षा व्यवस्था सख्त। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान कल होगा, इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। दूसरे चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश के 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर की 55 सीटें शामिल हैं। चुनाव आयोग ने मतदान शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था की है। पुलिस पीएससी के साथ अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 55 सीटों में से सपा को 27, भाजपा को 13 और बसपा को 11 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2012 में सपा को 27 और भाजपा को 8 सीटें मिली थी। सरकार ने बदले नियम, कल से भारत आने पर कोरोना टेस्ट जरूरी नहीं। कोरोना महामारी की स्थिति में सुधार को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत 14 फरवरी से एट रिस्क और अन्य देशों की कैटेगरी हटाई जा रही है। भारत आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। यात्रियों को यात्रा शुरू करने से 72 घंटे के भीतर नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट या फिर फुली वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके साथ ही 7 दिन के होम क्वारंटाइन को भी खत्म कर दिया जाएगा और केवल 14 दिन तक सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। नई गाइडलाइन के अनुसार कल से भारत आने वाले सिर्फ 2% यात्रियों को ही रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। WHO की चेतावनी, खत्म नहीं हुआ कोरोना, ज्यादा तेजी से फैलेगा नया वेरिएंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के अगले वेरिएंट को लेकर चेतावनी जारी की है। कोविड मामलों पर WHO की तकनीकी समूह की प्रमुख मारिया वॉन कोरखोव ने कहा कि कोरोना का अगला वेरिएंट ज्यादा तेजी से फैलेगा और ज्यादा घातक भी होगा। इस पर कोरोना वैक्सीन भी कम प्रभावी हो सकती है। WHO ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट BA.2 की दुनिया भर में फैलने की आशंका जताई और कहा कि ये जल्दी ही प्रमुख वेरिएंट बन सकता है। हालांकि अभी इस बात की जांच की जा रही है कि जिन देशों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, क्या उसका कारण यही सब वेरिएंट है। कारों में सुरक्षा पर सरकार का खास जोर, 3-point सीट बेल्ट की गई अनिवार्य। केंद्र सरकार ने कार में सभी फ्रंट सीट के लिए 3-point सीट बेल्ट देना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही पिछली पंक्ति में बीच की सीट के लिए भी यह मानदंड लागू किया गया है। सरकार की प्राथमिकता भारत में निर्मित सभी यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग में सुधार करना है, इसलिए 8 सीटर कारों में कम से कम 6 एयरबैग उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। इसका मकसद सुरक्षा स्तर को बढ़ाना है। फिलहाल ज्यादातर गाड़ियों में 2-point सीट बेल्ट इस्तेमाल होती है, जो 3-point सीट बेल्ट से कमजोर रहती है। वैज्ञानिक रूप से 3-point सीट बेल्ट 2-point सीट बेल्ट की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित पाई गई है। फिलहाल सर्दी से राहत नहीं, यूपी समेत उत्तर भारत में फिर बारिश की आशंका। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में अभी कुछ दिन और सर्दी जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश में सुबह और रात में घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ में भी यही हालात रहेंगे। दिल्ली में 15 फरवरी तक अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इससे सर्दी कम रहेगी, लेकिन 17 फरवरी को दिल्ली NCR में फिर बारिश हो सकती है। इससे सर्दी कुछ समय के लिए वापस लौट सकती है। हालांकि तापमान में सुबह और रात को छोड़कर बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी। बीते 19 साल में पहली बार फरवरी में इतनी सर्दी पड़ी है। फैंस के लिए खुशखबरी, बड़े पर्दे पर आ रहा है देसी सुपर हीरो शक्तिमान। देसी सुपर हीरो शक्तिमान अब बड़े पर्दे पर नजर आने वाला है। सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल शक्तिमान पर फिल्म बना रहा है और इसका एक टीजर भी जारी किया है। सोनी पिक्चर्स इंडिया के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के पोस्ट किए गए वीडियो में अपकमिंग फिल्म शक्तिमान की झलकियां दिखाई गई हैं और इसे देखकर पता चलता है कि मुकेश खन्ना स्टारर शक्तिमान धारावाहिक की तरह ही फिल्म में भी शक्तिमान का किरदार नजर आएगा। शक्तिमान फिल्म में इंडिया के सुपरस्टार नजर आएंगे। सोनी ने ट्वीट में लिखा है कि सुपर हीरोज की भारत और पूरी दुनिया में सफलता के बाद अब वक्त है हमारे देसी सुपर हीरो का। दूरदर्शन पर 1997 में लोकप्रिय धारावाहिक शक्तिमान का प्रसारण किया गया था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।